हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापत आपके लिए लेकर आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 57। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ESIC स्टाफ नर्स 2004 का सोलो पेपर। ये इस पेपर का पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट और सेकंड का वीडियो मैंने पहले बना दिया है, अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन के वीडियो नंबर 55 और 56 जरूर देखें। ये क्वेश्चन सभी अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक इस वीडियो मेरे साथ जरूर बने रहिए। क्वेश्चन है 72, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी रिजल्ट्स इन स्कर्वी। किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी होता है? विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज इज। कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज का एग्जाम्पल कौन सा है? टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेज, ऑप्शन डी इज राइट। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट है, ये कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट टाइम फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड इन द डाइट ऑफ ए चाइल्ड। बच्चे की डाइट में सॉलिड फूड्स देना कब से स्टार्ट करेंगे? अप्रोक्सीमेट टाइम क्या होता है? तो ये विनिंग्स का टाइम पूछ रहा है। 6 मंथ में विनिंग स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स 5 to 6 months इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, एक एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ एंटीरियर फोंटानेल इज। एंटीरियर जो फोंटानेल्स है उसके क्लोजर होने का एक्सपेक्टेड टाइम कितना होता है? 16 to 18 months में जो एंटीरियर फोंटानेल है वो क्लोजअप हो जाता है, ऑप्शन डी इज राइट। और पोस्टीरियर फोंटानेल कब क्लोज होता है? 1.5 से 2 महीने में पोस्टीरियर फोंटानेल्स है वो क्लोजअप हो जाता है। नेक्स्ट है, विम्स ट्यूमर इज ए कंडीशन अफेक्टिंग ऑफ। विम्स ट्यूमर किसको अफेक्ट करती है? किडनी को। किडनी में विम्स ट्यूमर होती है, ऑप्शन ए इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर चेस्ट पेन एसोसिएट विद मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी MI में चेस्ट पेन का रीजन किससे एसोसिएट होता है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर ओवरलोड। लेफ्ट वेंट्रिकुलर में अगर ओवरलोड हो जाएगा तो उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में चेस्ट पेन है वो ज़्यादा होता है, या चेस्ट पेन का रीजन होता है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए प्रायोरिटी असेसमेंट फॉर ए क्लाइंट रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उस पेशेंट में प्रायोरिटी असेसमेंट क्या होगा? यूरिन आउटपुट, स्किन ट्रिगर, या लेवर ऑफ कॉन्शियसनेस। एनाफाइलेक्ट रिएक्शन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ऑप्शन सी इज राइट। इसलिए प्रायोरिटी असेसमेंट भी एनाफाइलेटिक रिएक्शन ही आएगा। नेक्स्ट है, Which of the following symptoms must be reported to the doctor by a patient receiving warfarin? अगर कोई patient warfarin receive कर रहा है, ले रहा है, तो उसमें कौन सा symptom note होने पर doctor को तुरंत notify करना चाहिए? Hematuria। warfarin अगर कोई ले रहा है और उसमें hematuria हो रहा है, मतलब internal bleeding start हो गई है, इस वजह से hematuria मतलब जो blood urine में blood आ रहा है, तो ये warfarin की overdose या साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पेशेंट रिसीविंग पेरिटोनियल डायलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहे पेशेंट में कौन सा साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को पेरिटोनाइटिस हो गया है? ऑप्शन दिए गए, स्वेलिंग इन द लेग्स, रेडनेस एट द कैथेटर इंसर्शन साइट, या फिर पुअर ड्रेनेज ऑफ द डायलेसेट फ्लूड, या फिर क्लाउडी डायलेसेट फ्लूड। तो फ्रेंड्स, अगर पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहे पेशेंट में क्लाउडी डायलेसेट फ्लूड रिटर्न आए, इसका मतलब पेशेंट में पेरिटोनाइटिस हो गया है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है, नॉन इन्वेसिव मेथड ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटरिंग कैन बी डन बाया। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटरिंग का नॉन इन्वेसिव मेथड कौन सा है? पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इन ए न्यू बॉर्न हुज मदर रिसीव्ड मोरफिन सल्फेट ड्यूरिंग लेबर। तो एक बच्चा है जिसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया है, किस वजह से? या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है किस वजह से? क्योंकि उसकी मदर ने
लेबर के दौरान मोरफिन सल्फेट लिया है या उसको मोरफिन सल्फेट उसकी मदर को लगाया है, तो बच्चे में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अगर हो जाता है तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या होगी? इस टाइप के केस में ड्रग ऑफ चॉइस होगी एड्रेनलिन, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डीपीटी शुड बी एडमिनिस्टर वाया, यानी डीपीटी का इंजेक्शन है वो कैसे लगाया जाता है? तो डीपीटी का इंजेक्शन है वो 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पे लगाया जाता है और इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जाता है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल साइन ऑफ ट्रेक्यो इसोफिजियल फिस्टूला, ट्रेक्यो इसोफिजियल फिस्टूला का टिपिकल साइन है वो क्या है? तो ट्रेक्यो इसोफिजियल फिस्टूला का टिपिकल साइन होता है कंटिन्यूस ड्रूलिंग, कंटिन्यूस ड्रूलिंग, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है, बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इन ए 2 मंथ ओल्ड बेबी इज वाया, 2 महीने के बच्चे में ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने का बेस्ट मेथड क्या होता है? तो हुड भी होता है और नेजल केनूला भी होता है, बट अभी करंट प्रैक्टिस में नेजुल केनुला है वो ज़्यादा यूज किया जाता है, ऑक्सीहुड है वो कम यूज किया जाता है, इसलिए अपने ऑप्शन सी को राइट मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल इन कोलन इज ए फीचर ऑफ, कोलन में अगर अब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल्स है तो ये किसका फीचर है, यानी कोलन में गैंग्लियन सेल्स है वो प्रजेंट नहीं है, अब्सेंस है, तो ये किस डिजीज का फीचर है? ये होता है हिंसप्रग डिजीज का फीचर, ऑप्शन बी इज राइट। ये हिंसप्रग डिजीज का टिपिकल फीचर होता है अब्सेस ऑफ गैंग्लियल सेल्स इन द कोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 4-year-old चाइल्ड इज हैविंग ए वेट ऑफ 7.8 kg, 4 साल का बच्चा है जिसका वेट सिर्फ 7.8 किलो ही है, टू विच ग्रेड ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डज दिस चाइल्ड बिलोंग, तो अब इस बच्चे में जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है तो ये किस ग्रेड का है? तो मतलब 4 साल के बच्चे का जो एवरेज वजन है वो लगभग 15 किलो होना चाहिए, लेकिन ये उसका आधा ही है, मींस ये ग्रेड 3 का प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, गैस्ट्रिक लिवाज इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आफ्टर इंजेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी किस चीज को खा लेने या इंजेक्शन करने के बाद में गैस्ट्रिक लिवाज है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? एस्प्रिन में गैस्ट्रिक लिवाज किया जाता है, पैरासीटामोल में किया जाता है, ओडोलम में किया जाता है, बट जो कोरोसिव एल्केलाई है इसमें गैस्ट्रिक लिवाज नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन एन अंडर वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम सीसेशन ऑफ फ्लूड फ्लक्चुएशन इन द ड्रेनेज ट्यूब जनरली मीन्स दैट, तो अंडर वाटर सील ड्रेनेज है यानी ICDT अगर लगी हुई है और उसमें जो फ्लूड होता है नीचे जो बैग लटका हुआ है उसमें अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो चेस्ट ट्यूब है वो प्लूरल स्पेस में है, यानी वो चेस्ट ट्यूब है वो सही जगह पे लगी हुई है, ऑप्शन डी इज राइट, चेस्ट ट्यूब इज इन द प्लूरल स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन एसोसिएट विद द प्रजेंस ऑफ ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब, ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब से एसोसिएटेड कौन सा कॉम्प्लिकेशंस है? ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब्स अगर लगी हुई हो, ट्रेक्योस्टोमी अगर की हुई हो तो उस पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएँ होती है, इसलिए न्यूमोथोरेक्स है ये ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब का एसोसिएट कॉम्प्लिकेटेड है, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है, व्हाट इज द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो फॉर 2 रेसिसर CPR इन एडल्ट, अगर CPR कर रहे हैं एडल्ट में और 2 CPR देने वाले कैंडिडेट्स है तो कंप्रेशन और रेस्पिरेशन, कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन का है वो रेशो क्या होता है? वो होता है 15:2, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बी द बेस्ट इंडिकेशन दैट फ्लूड रिप्लेसमेंट फॉर द क्लाइंट इन हाइपोवोल्यूमिक शॉक इज एडिक्वेट, हाइपोवोल्यूमिक शॉक के पेशेंट्स में अपने को कौन सा इंडिकेशन ये बता रहा है कि फ्लूड रिप्लेसमेंट है वो एडिक्वेट है, यानी अपने जो फ्लूड दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं? तो इसमें जो यूरिन आउटपुट ग्रेटर देन 30 ml/h है, ये जो सिम्टम्स है ये अपने को शो कर रहा है कि हाइपोवोलेमिक शॉक्स के पेशेंट में फ्लूड रिप्लेसमेंट है वो एडिक्वेट है,
यानी अगर नॉर्मल व्यक्ति में अपना यूरिन आउटपुट होता है ये 30 एमएल पर आवर ही होता है, और इस टाइप के पेशेंट में अगर 30 एमएल प्रति आवर से ज़्यादा यूरिन आउटपुट आ रहा है, इट्स मीन पेशेंट है वो हाइपोवोल्मिक शॉक से कवर हो रहा है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टेक्निक टू डिटरमाइन वेदर ए नेजोगेस्टिक ट्यूब इज पोजिशन इन द स्टोमिक। अब अगर जब नेजोगेस्टिक ट्यूब लगाते हैं तो किस टेक्निक से या कौन सी बेस्ट टेक्निक्स है जिससे अपने पता लगाएं कि जो नेजोगेस्टिक ट्यूब लगी है इसकी पोजिशन स्टोमक में, यानी ये ट्यूब सही लगी है और स्टोमक में ही है। तो अपने क्या करते हैं, अपने बड़ी सीरीज 50 ml या 20 ml की सीरीज लेकर नेजोगेस्टिक ट्यूब से गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करते हैं। तो अगर वो उसमें गैस्ट्रिक कंटेंट्स आते हैं, इट्स मीन अपने सोचते हैं कि जो राइस ट्यूब है या जो नेजोगेस्टिक ट्यूब है ये स्टोमक में ही होती है। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट विद अपर एब्डोमिनल सर्जरी आर एडवाइज टू यूज एन इंसेंटिव स्पायरोमीटर ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इन ऑर्डर टू। तो अपर एब्डोमिनल सर्जरी होने के बाद में पेशेंट को इंसेंटिव स्पायरोमेट्री यूज करने के लिए दी जाती है। तो इसका कारण क्या होता है, क्यों दी जाती है, स्टिमुलेट सर्कुलेशन, प्रिपेयर द एक्यूमुलेशन या फिर एम्बुलेशन या फिर स्ट्रेंथन एब्डोमिनल मसल या फिर इंक्रीज रेस्पिरेटरी इफेक्टिवनेस। तो जो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री दी जाती है किसी भी ऑपरेशन के बाद में या एब्डोमिनल सर्जरी के बाद में, ये दी जाती है इंक्रीज रेस्पिरेटरी इफेक्टिवनेस, उस पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी इफेक्टिवनेस है वो बढ़े, इसलिए उसको इंसेंटिव स्पायरोमेट्री यूज करने के लिए दी जाती है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट इज यूजफुल टू असेस द लीवर फंक्शन। लीवर फंक्शन को असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट रिजल्ट है वो यूजफुल होता है, सीरम ट्रांसपिनेज है, ये लीवर फंक्शन टेस्ट में चेक किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड नो टोबेको डे इज ऑब्जर्व ऑन। वर्ल्ड नो टोबेको डे है ये कब मनाया जाता है, 31 मई, 31 मई को हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन बी है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन इंडिकेट दैट क्लाइंट विद सिरोसिस इज डेवलपिंग हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। तो जो पेशेंट है किसका, सिरोसिस का, उसमें कौन सा मैनिफेस्टेशन है, कौन सा लक्षण ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट में हेपेटिक एनसेफेलोपैथी है वो डेवलप हो रही है। तो अगर पेशेंट में अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है, तो इसका मतलब सिरोसिस के पेशेंट में हेपेटिक एनसेफेलोपैथी है वो डेवलप हो रही है। ऑप्शन बी है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है, ए नॉर्मल लोकल टिश्यू रिस्पॉन्स टू रेडिएशन इज, रेडिएशन के एक्सपोजर से नॉर्मल जो टिश्यू रिस्पॉन्स है, नॉर्मल लोकल टिश्यू रिस्पॉन्स है वो क्या होता है, स्लगिंग ऑफ टू लेयर ऑफ स्किन। स्किन की जो दो लेयर्स होती है एपिडर्मिस और डर्मिस, इनके बीच में इनमें स्लगिंग हो जाती है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोनॉमिक रिदमिक कॉन्ट्रेक्चुअलिटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ऑटोनॉमिक रिदमिक कॉन्ट्रेक्चुअलिटी है वो कौन सी, किस टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कार्डियक टिश्यू का, कार्डियक मसल्स, कार्डियक टिश्यू है ये ऑटोनॉमिक रिदमिक कॉन्ट्रेक्चुअलिटी, अपने आप चलती रहती है। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हार्ट डे इज ऑब्जर्व ऑन, विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे है ये कब मनाया जाता है। सारे ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग दिए गए हैं, ये होता है 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। तो फ्रेंड्स ये ESIC 2004 का क्वेश्चन पेपर हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ ज़रूर ज़रूर इसको शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, तथा पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको दबाना कभी भी न भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।